देखिए अगर आप यू पी बी एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी देखिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उससे पहले आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलतियाँ कर देते हैं इसमें वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा देखिए कहाँ पे यस या कहाँ पे नो करना है किस प्रकार से एड्रेस इसमें भरा जाएगा कहाँ पे अपना जीमेल आईडी देखिए तो इस प्रकार से जो भी उसमें कन्फ्यूजन होता है देखिए एक सिस्टर ने मुझे ये सेंड किया देखिए टेलीग्राम पे अपना फॉर्म ये बिल्कुल कंप्लीट है देखिए और बिल्कुल ये जो है सही भरा हुआ है देखिए करेक्ट है तो आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हो तो ये फॉर्म पहले आप देख लीजिए क्या क्या इसमें कर रहा है तो देखिए वीडियो को पूरा देखिए इसमें तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका फॉर्म बिल्कुल अच्छा देख देखिए चलते अगले स्टेप पे देखिए यहां पे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराओगे देखिए उसमें तो रजिस्ट्रेशन होगा आपका देखिए आधार कार्ड जो आपका नंबर होगा वो डाला जाएगा अगर आपके आधार कार्ड में जो गलती है कुछ गलतियां है तो आप देखिए या तो आधार कार्ड डाल दीजिए अगर आपका सही है अगर उसमें कुछ गलती है तो देखिए आपके पास वोटर आई कार्ड होगा देखिए तो आप वो डाल सकते हैं वैसे लगभग सभी का आधार कार्ड सही होगा तो उससे क्या होगा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे आपको कैंडिडेट नेम देखे इसमें आपको सही सही डालना है जो आपका देखिए टेंथ की मार्कशीट में कौन सा टेंथ की मार्कशीट में देखिए कभी कभी क्या होता है देखिए आपकी बीए की मार्कशीट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है उसमें कुछ गलतियाँ होती है तो और जो आपका टेंथ की मार्कशीट में केवल वही डालिए इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे फादर्स नेम है मदर्स नेम है यहाँ पे और जो है डेट ऑफ बर्थ देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको सही डालनी है देखिए जल्दी के चक्कर में होता है क्या आप गलतियां कर देते हो ये ऑप्शन बिल्कुल आराम से भरना है इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस देखिए ईमेल एड्रेस अपना डालें क्योंकि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपके ये रिजल्ट है काउंसलिंग है टोटल जो भी मैसेज आएगा वो आपकी जी मेल आई ही आएगा ये जी मेल अपने पास सेफ़ रखे आपका जो भी कोड है उसको अच्छे से संभाल के रखे इसके बाद देखिए ये जो मोबाइल नंबर होगा देखिए अपना ऐसा मोबाइल नंबर दे जिस पे आपका जो है कोड आ सके देखिए रजिस्ट्रेशन होगा इसके बाद जो मैसेज आएगा यूनिवर्सिटी से जो भी इंफॉर्मेशन होगी इसी मैसेज पे आएगी अगर देखिए आपका ये मैसेज ये जो नंबर है ये बंद हो जाता है तो आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी जिससे कि आपका नुकसान हो सकता है रही बात देखिए आपकी फ़ोटो की फ़ोटो एक अच्छा सा अपलोड करना है इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है देखिए ये सिग्नेचर आपको करना होगा और ये सिग्नेचर जो है अपलोड भी होगा देखिए ये क्या होगा ये सिग्नेचर भी अपलोड होगा और जो फिंगर वाला था वो भी वहाँ पर अपलोड किया जाएगा इसके बाद देखिए बी पर्सनल डिटेल्स ये बहुत जरूरी है देखिए यहाँ पे जो है जेंडर है मेल या फीमेल जो भी आप देखिए भरोगे इसके बाद देखिए मैरिड स्टेटस देखिए अनमैरिड ही होगा जो मैरिड है वो मैरिड डालिए जो अनमैरिड है वो अनमैरिड इसके बाद देखिए नेशनलिटी इंडियन इसके बाद जो कैटेगरी है देखिए यहाँ पे कैटेगरी है ये जर्नल से थी तो अपना कैटेगरी डालना है अगर आप ओ है देखिए ओ बी सी डालिए एस सी है एस सी या एस टी है एस टी जो भी आपकी कैटेगरी है आपकी यहाँ पे फिल होगी इसमें देखिए इसके बाद देखिए इनका जर्नल है अगर आपका देखिए यहाँ पे मान लीजिए ओ होगा तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा उस पर एक जो है सर्टिफिकेट नंबर होगा तो वो डालिए अगर आप एस से हैं तो भी आपका यहाँ पे डलेगा एस से भी यहाँ पे होगा तो इसमें डलेगा इसके बाद है दे, देखिए यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल ये यूपी से है तो आप अगर यूपी से हो तो यस करिए अगर आप यूपी से नहीं है तो नो करिए देखिए इसमें देखिए कभी कभी होता क्या है होते तो है देखिए कुछ यूपी से ही लेकिन जो ग्रेजुएशन किया है वो किसी अदर स्टेट से किया है तो वो इस चक्कर में नो कर देते तो आपको अगर आपका जो मूल निवास है अगर यूपी का है तो यस करिए उसमें देखिए इसके बाद अब आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेंथ कहाँ से किया आपका देखिए ये किया है इन्होंने यूपी से किया है अगर आपने देखिए यूपी के निवासी अगर बाहर से आपने टेंथ किया है मान लीजिए उत्तराखंड से किया है बिहार से किया है तो यहाँ पे आपको नो करना होगा इसके बाद बारहवीं का भी इसी तरीके से यस या नो में और ग्रेजुएशन का भी देखिए इसके बाद अब आगे यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है डिस एबिलिटी परसेंटेज देखिए अगर आप पी से बिलोंग करते हैं देखिए क्योंकि रिजर्वेशन होता है लगभग तीन से चार परसेंट जो है पीएच का रिजर्वेशन होता है तो यहाँ पे आप डालिए आपको इसका जो है लाभ भी मिलेगा इसके बाद देखिए आईडी प्रूफ जो आपका आईडी प्रूफ है तो वो लगाइए इसका जो है आईडी का नंबर डलेगा इसके बाद सबसे जो मेन पॉइंट है देखिए ये है इज जीरो फी रिक्वायर्ड ये ये क्या है जीरो फी रिक्वायर्ड ये जो ऑप्शन फिल करना है ना जीरो फी रिक्वायर्ड इसमें एस सी और एस टी यहाँ पे दो कैटेगरी का इसमें यस होगा इसमें देखिए आप देख लीजिए और जनरल और ओबीसी के लिए ये ऑप्शन नहीं खुलेगा इसके बाद जो है आपका एड्रेस होगा देखिए जो आपका आधार कार्ड में है ये जहाँ पे आप रह रहे हो वो आधार कार्ड का जो भी एड्रेस होगा या आपका है वो डालिए इसमें दोनों में सेम डलेगा इसके बाद है आगे ये बहुत जरूरी है देखिए स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर बी एड देखिए साइंस ग्रुप से देखिए ये क्या होगा साइंस है अगर आप आर्ट्स से है तो आर्ट्स डालिए यहाँ पे अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए अगर कुछ ने किया है साइंस से किया है अब यहाँ पे भर देंगे आर्ट्स देखिए क्योंकि आर्ट्स का पेपर इजी होता है देखिए उसमें लगता है कि बहुत सारे लगभग सौ क्वेश्चन के आसपास जी के आती है तो देखिए इस तरीके से आपका ये फॉर्म गलत हो जाएगा अगर आपने साइंस से किया तो यहाँ पर आपको साइंस भरना होगा अगर आपने आर्ट्स से किया तो आप आर्ट्स भरिए है यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पर टेंथ की डिटेल देखिए इनका जो बोर्ड है देखिए बोर्ड नेम है इनका सी बी एस ई बोर्ड था इसके बाद किस ईयर में पास किया और टोटल आपका मार्क्स वहाँ पे लगेगा उसके बाद तुरंत जो है इसमें परसेंटेज आपकी निकल के आ जाएगी इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल और देखिए ये जो है टेंथ की यहां पे डिटेल डलेगी इसकी जो मार्कशीट होगी देखिए ये मार्कशीट जो होगी ये अपलोड होगी तो देखिए इसको देखिए अच्छे से इसको अपलोड करना टेंथ की जो मार्कशीट होगी देखिए पिछली बार क्या किया था आप सीधा फोटो खींचे और तुरंत अपलोड देखिए आपको ऐसे नहीं करना देखिए जो भी कैफे पे प्रक्रिया होगी सही से इसको अपलोड करवाना जितना केबी का वहां पे मांगा जाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पे बारहवीं का डिटेल यहाँ पे नहीं डलेगा देखिए बारहवीं का डिटेल यहाँ पे नहीं डलेगा ये जो अपलोड होगी इसके बाद जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी देखिए तो इनका ग्रेजुएशन की मार्कशीट है किस यूनिवर्सिटी से किया है टोटल इसका परसेंटेज होगा देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन एपीरिंग में है देखिए तो एपीरिंग में है तो यहाँ पे आपका डलेगा रोल नंबर डलेगा देखिए तो आप यहाँ पे रोल नंबर डालिए ये ग्रेजुएशन की आपकी जो डिटेल्स है देखिए ये सारी नहीं डलेगी आपकी परसेंटेज है ये नहीं डलेगा आपका रोल नंबर डलेगा केवल यहाँ पे तो आपका ये जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो आप अपलोड करिए अगर नहीं है तो केवल रोल नंबर डालिए इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो डाली है देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी डाली है अगर आपके पास पैसे मत लगाओ इसको आपने ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा है इसके बाद यहाँ पे है वेटेज वाला पाँच नंबर दस नंबर और पंद्रह नंबर किन किन को मिलेगा देखिए अगर आपके पास एन सी सी एन एस एस या आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है आर्मी या पुलिस में तो आपको यहाँ पे आपका लाभ मिलेगा पाँच दस और पंद्रह नंबर का देखिए वो जो सर्टिफिकेट होगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा जल्दी अगर किसी के फादर आर्मी से रिटायर्ड भी हो चुके हैं तो उनको भी जो है पंद्रह नंबर का यहाँ पे वेटेज मिलेगा देखिए तो आपको ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी एनसीसी एनएसएस स्काउट की तो यहाँ पे फिल करिए आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा ये यहाँ पे अपलोड होगा तो आपको इसका अभी से मार्क्स जैसे आप फॉर्म भरोगे तुरंत इसका पंद्रह मार्क्स आपको दे दे जाएगा आपके फॉर्म में ही देखिए अगर आप इसको फॉर्म भरने के बाद आप सोचते हैं कि काउंसलिंग में लगेगा तो फिर उसके बाद आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा इसके बाद ये आगे जो ऑप्शन है देखिए इसमें ये है सेंटर डिटेल्स का देखिए आपको तीन सेंटर चॉइस करने हैं सबसे पहले वो सेंटर आप चॉइस करिए जो आपके घर के सबसे पास में हो उसके बाद थोड़ा सा दूर और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन वो डाले जो आपको अच्छा लगे देखिए वैसे पहला जो सेंटर आप चॉइस करोगे लगभग आपको वही मिल जाएगा इसके बाद अगर फर्स्ट नहीं मिलता तो ये जो है सेकंड आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा ये सेंटर तो अपने घर के लगभग पास का सेंटर डालें इसके बाद देखिए फी पेमेंट और ये जो है इनका रिसिप्ट नंबर है बाकी आगे इसमें कुछ नहीं है तो देखिए आपका ये जो फॉर्म है लगभग कम्प्लीट हो जाएगा देखिए इसमें और देखिए आय प्रमाण पत्र देखिए जो है एस सी एस टी को अपलोड करना होगा देखिए साथ ही साथ देखिए एस सी एस टी को जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा उसके बाद देखिए ये जो फिंगर मैंने बताया था फिंगर दोनों फिंगर का यहाँ पे अपलोड होगा ये जो सिग्नेचर है ये भी अपलोड होगा इसके बाद देखिए टेंथ और जो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड होगी देखिए ट्वेल्थ वाली नहीं होनी है इसके बाद अगर ओ की बात करें तो देखिए ओ में जो है जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये अपलोड होगा तो देखिए आपका ज़्यादा पुराना ना हो देखिए 2017 का अगर आपका है तो आप उसको नया बनवा लीजिए अभी आपके पास समय काफ़ी है देखिए वैसे ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है फॉर्म में ये नाम्स में गड़बड़ कर देते हैं इसके बाद टेंथ और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उनका उल्टा सीधा जो नंबर है वो डाल देते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है देखिए क्या करते हैं देखिए आपने मान लीजिए उसमें जो भी कॉलम आता है उसमें सर्टिफिकेट नंबर वगैरह जो भी है वो गलत डाल दिया है रोल नंबर और आपने मार्कशीट अपलोड कर दी देखिए आपका वहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है ना वो भी सही डालना चाहिए भले ही आपकी वहाँ पर मार्कशीट अपलोड हो रही हो इसमें और ये जो फॉर्म है फ्रेंड्स देखिए ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ देखिए अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप अनुज एस एकेडमी सर्च करके वहाँ से जो है जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ग्रुप में और ये जो फॉर्म होगा मैं वहीं पर डाल रहा हूँ तो आप इसको देखिए अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं जो भी डिटेल्स है इसमें पूरी दी गई है इसमें और देखिए पेपर की लैंग्वेज वगैरह का यहाँ पे देखिए कोई मेंशन नहीं होगा वो पेपर में ही आपको करना होगा तो देखिए मुझे आशा कि लगभग आपका ये कंप्लीट हो गया होगा जो भी ये डिटेल्स थी